Assalamu alaikum. We'll be starting chapter number 7, Man and His Environment. In this video, we'll be covering short answers. We have 10 short answers in chapter number 7. Question number 1, what is the effect of light on the ecosystem? हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, उस पर लाइट का क्या क्या असर होता है। पहली बात तो ये है कि हमारे पूरे सिस्टम के अंदर जो एनर्जी ट्रांसफर का प्रोसेस होता है वो लाइट पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट की मौजूदगी में या लाइट की मौजूदगी में ही अपना खाना तैयार करना शुरू करते हैं। जब प्लांट्स अपना खाना तैयार शुरू करेंगे तो उनकी ग्रोथ होगी, उसके वजह से फिर हर्बीवोर्स को खाना मिलेगा, हर्बीवोर्स को जो है फिर कार्निवोर्स की वो खादा बनेंगे। इस तरीके से क्या होता है कि जो पूरा एनर्जी ट्रांसफर होता है वो लाइट से शुरू होता है। लाइट की एनर्जी प्लांट एब्जॉर्ब करती है, प्लांट की एनर्जी जो है हर्बीवोर्स एंड ओमनीवोर्स एब्जॉर्ब करते हैं, फिर हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाते हैं। इस तरीके से पूरा एनर्जी ट्रांसफर इस तरह से, फिर आखिर में ऑफकोर्स डिकम्पोजर्स होते हैं। पूरा एनर्जी ट्रांसफर जो होता है वो लाइट की वजह से शुरू होता है। सेकेंडली, जो लाइट होता है वो देखने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर अंधेरा होगा तो फिर हमें दिखाई नहीं देगा। और ऐसे काफ़ी सारे जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जो लाइट पे डिपेंडेंट होते हैं, लाइक जो फ्लावर्स होते हैं उनके खिलने जो होते हैं, उसको ब्लूम करने का जो प्रोसेस होता है वो लाइट पे डिपेंड कर रहा होता है। इसी तरीके से सनलाइट होता है तो ही इंसानों के अंदर जो विटामिन डी है वो प्रोड्यूस होता है नेचुरल तौर पर। और लाइट की गैर मौजूदगी की वजह से जो है वो क्या होता है कि उसका टेम्परेचर चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट एनिमल्स एंड जो बर्ड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे होते हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं हमारे अंदर, जैसे लाइक इंसानों का जागने का टाइम होता है वो पूरा, हमारा जो स्लीपिंग साइकिल होता है वो भी अगेन लाइट पर डिपेंड कर रहा होता है। तो लाइट जो होता है हमारे इस इकोसिस्टम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ इकोसिस्टम एंड हाउ? सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल कौन सा है और वो किस बुनियाद पर उसको फर्स्ट लेवल पर रखा गया है? तो सबसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है वो है प्रोड्यूसर्स, यानी कि जो सनलाइट जो होती है, जो लाइट की जो एनर्जी होती है, वो सबसे पहले ट्रॉफिक लेवल जो होता है सबसे पहले वो प्रोड्यूसर के पास पहुंची होती है। यानी तमाम फूड चेन की बुनियाद जो होती है या स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो हमेशा आपको प्रोड्यूसर ही मिलेगा। आप कोई भी फूड चेन बनाएंगे आप लोग, उसमें हमेशा क्या होगा कि आपको जो पहला जो ऑर्गेनिज्म मिलेगा उसके अंदर हमेशा आपको प्रोड्यूसर मिलेगा। वो ग्रीन एनर्जी हो सकता है, वो प्लांट्स हो सकते हैं, ग्रास हो सकता है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूसर कंसिडर किया जाता है बायोलॉजी के अंदर, वो आपका हमेशा किसी भी फूड चेन के अंदर शुरुआती स्टेप में नजर आएगा। इसी वजह से उसको फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड हाउ इट अकर्स इन अ सिस्टम? नाइट्रोजन फिक्सेशन बेसिकली क्या होता है कि जो हवा के अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है, फ्री नाइट्रोजन गैस, उसको कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट्स के अंदर। उस प्रोसेस को हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो जो प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम लोग फ्री नाइट्रोजन गैस को, यानी जो प्योर नाइट्रोजन गैस होता है, उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने के लिए बायोलॉजिकली जो या नेचुरली तौर पर क्या होता है कि जो लाइटनिंग होती है बरसात के दौरान, तो वो जो है लाइटनिंग की वजह से क्या होता है कि वो नाइट्रोजन गैस को जो है वो आपस में रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन से, जिसकी वजह से नाइट्रेट्स बनते हैं। इसके अलावा जो बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया जो सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं, वाटर के अंदर मौजूद होते हैं, या फिर वो प्लांट्स के रूट्स में मौजूद होते हैं, तो वो भी अपने प्रोसेसेस के थ्रू जो है जो नेचुरली जो नाइट्रोजन गैस एग्जिस्ट कर रहा होता है उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा के। तो ये दो तरीके होते हैं, एक होता है लाइटनिंग के थ्रू, सेकेंड होता है साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया के इस्तेमाल की वजह से। क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट इज इंटरेक्शन? इंटरेक्शन बेसिकली होता यह है कि किसी भी दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो आपस में उनकी ताल्लुकात होते हैं उसको हम इंटरेक्शन कहते हैं। अब वो इंटरेक्शन जो ताल्लुकात होते हैं उसके कुछ किस्म होते हैं, या तो कॉम्पिटिशन होता है, लाइक इंसानों के बीच में जो ताल्लुकात होता है उसके अंदर भी कॉम्पिटिशन हो सकता है। सेकेंडली होता है प्रिडेशन, यानी एक जो है दूसरे पर हमला कर रहा होता है क्योंकि एक कमज़ोर है और एक ताकतवर है, तो इस टाइप के रिश्ते को हम लोग प्रिडेशन कहते हैं। फिर थर्ड होता है सिम्बायोसिस, यानी कोई किसी किस्म का पार्टनरशिप होता है। अगर एक ही को फायदा मिल रहा है दूसरे को नुकसान हो रहा है, ऐसे पार्टनरशिप को हम लोग पैरासिटाइज्म कहते हैं, यानी पैरासाइट्स होते हैं। कॉमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक को फायदा मिल रहा होता है दूसरे का नुकसान भी नहीं हो रहा होता। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा मिल रहा होता है। तो ये रिश्ते होते हैं जो नेचुरली तौर पे हमें इकोसिस्टम के अंदर मिल रहे होते हैं, और इन रिश्ते को, इन ताल्लुकात को हम लोग जो बायोलॉजिकल तौर पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में, उसको इंटरेक्शंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अ पिरामिड ऑफ नंबर्स? पिरामिड ऑफ नंबर्स बेसिकली होता यह है किसी भी इलाके के अंदर
कौन से ऑर्गेनिज्म कितने नंबर में मौजूद हैं। लाइक लेट्स सपोज आपके इलाके के अंदर कैट्स कितने मौजूद, तो वो पूरा नंबर के थ्रू एक पिरामिड शो किया जाता है कि जो हर्बीवोर्स हैं उसके अंदर जो भी एनिमल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके इलाके के अंदर, उसमें वो कितने कितने नंबर्स उसके मौजूद हैं। तो जब वो एक तरह से पिरामिड शेप का बन जाता है वो, तो उसको रिप्रेजेंटेशन को हम लोग, उस पिरामिड को हम लोग पिरामिड ऑफ नंबर्स कहते हैं। वाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता यह है कि डिफरेंट किस्म के जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं वो एक रूफ की तरह एक काम कर रहे होते हैं। लाइक रूफ क्या करता है, बेसिकली जो गर्माहट होती है वो घर के अंदर महदूद कर देती है, उसको बाहर निकलने नहीं देती। तो वैसे ही जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वो क्या करते हैं कि सनलाइट में से हमें गर्मी मिल रही होती है वो एक रूफ की तरह, एक क्लाउड की तरह काम करता है। तो क्या करता है, वो अर्थ के अंदर जाने देता है, लेकिन जब रात के टाइम है उसको बाहर निकलने का टाइम होता है हीट का, तो उस टाइम पे वो उसको निकलने नहीं देता। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि सनलाइट की जो हीट होती है वो अर्थ के अंदर बन जाती है, अर्थ के अंदर वो रह जाती है, जिसकी वजह से अगेन बहुत सारी गर्मी जो है वो जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है बेसिकली उस वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज एल्गल ब्लूम एंड हाउ डज इट डिस्ट्रॉय द लाइफ ऑफ एन एक्वाटिक इकोसिस्टम। एल्गम ब्लूम क्या होता है, बेसिकली जब एल्जी की जो ग्रोथ होती है वो बहुत हाई स्पीड में हो रही हो। यूजुअली क्या होता है, अक्सर आप लोगों ने देखा हो जब फसल को उगाया जाता है तो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसको एरोप्लेन या जेट प्लेन्स के थ्रू जो है वो भी दिया जाए, बहुत बड़ी ज़मीन में जब देना होता है फर्टिलाइजर्स, तो उसमें क्या करते हैं वो जेट प्लेन्स के थ्रू जो है वो स्प्रे कर रहे होते हैं। तो स्प्रे करने से क्या होता है कि कुछ जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो पानी के अंदर भी डिजॉल्व हो जाते हैं। तो पानी के अंदर जो एल्जी की जो ग्रोथ की स्पीड होती है वो इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू फर्टिलाइजर्स। तो जो इंक्रीज स्पीड होती है एलजी की, उसको हम लोग एल्गल ब्लूम या यूट्रोफिकेशन भी कहते हैं। अब उसकी वजह से होता क्या है कि जब एलजी जब उनकी बहुत ज़्यादा नंबर में इंक्रीज हो जाती है, तो एलजी जो है वो एक टॉक्सिन पैदा करता है। टॉक्सिन का मतलब है जहर, कि ऑफ कोर्स जो हर ऑर्गेनिज्म कुछ ना कुछ एक्सक्रीट कर रहा होता है, तो जो एलजी जो एक्सक्रीट कर रहा होता है वो बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। तो उस जहर की वजह से क्या होता है कि जो पानी के अंदर ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। सेकेंडली, क्योंकि जो वो एक्सक्रीट कर रहे होते हैं केमिकल्स वगैरह जो भी उनके एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, तो पानी में डिजोल्व हो जाता है। तो उस पानी को पीने से क्या होता है कि लीवर के डिजीज होते हैं। थर्डली क्या होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो एलजी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है नंबर के अंदर वाटर के अंदर, तो वाटर के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो मिकदार है बहुत कम हो जाती है, यानी ऑक्सीजन डिप्लीशन शुरू हो जाता है, ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम हो जाती है। थर्डली क्या होता है कि जो एलजी होता है वो फिश की गिल्स में फंसना शुरू हो जाते हैं, यानी एक प्लास्टिक की तरह फंसना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो घुटन की वजह से वो मर जाते हैं, एस्फिक्सिएशन की वजह से वो मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन, यानी किस तरीके से हम लोग वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले एक तो स्पेशल एक प्लांट होता है, वो क्या करता है कि पानी के अंदर वो जितने भी टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं वो उसको खाता है, या एक तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी उसके ग्रोथ के लिए वो केमिकल्स की जरूरत होती है। तो उस प्लांट का नाम है वाटर हाइसिनाइट। तो अगर हम इस टाइप के प्लांट्स को हम लोग पानी के इर्द गिर्द कोस्टल एरियाज में अगर हम उसको जो है ग्रो करना शुरू कर देंगे, तो पानी जो है उसके अंदर जो भी केमिकल्स होते हैं जो हमें नुकसान दे सकते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो पानी नेचुरली तौर पर साफ होएगा। सेकेंडली, हम लोग पब्लिक अवेयरनेस दें, यानी लोगों को बताया जाए कि पानी में जो हम कचरा फेंकते हैं वही पानी हमारे ही घर में आता है, और वही गंदा पानी हम लोग पीते हैं और बीमार हो जाते हैं। तो इस तरह के पब्लिक अवेयरनेस, इन लोगों को पता जब चलेगा कि हमारी ही हरकतों की वजह से हम खुद बीमार हो रहे हैं, तो ऑफकोर्स इंसान जो है थोड़ा सा उसकी भी वो काम करना थोड़ा बंद करेगा या रोक देगा या कम करेगा वो। थर्डली, स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन, यानी जो कानून बनाए दिए गए हैं पानी के मुतल्लिक, लाइक फैक्ट्रीज को जो है पानी के अंदर जितना एक नंबर के अंदर एक अमाउंट फिक्स अमाउंट है उससे ज़्यादा वो फेंक नहीं सकते। इसके अलावा जो पानी जो आता है सीवेज सिस्टम जो होता है उसको साफ करने का पूरा ट्रीटमेंट, उसको बाकायदा चेक किया जाए कि सही से साफ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। नंबर 4, जो इंडस्ट्रीज या एग्रीकल्चर के ऐसे जो पानी ख़राब हो रहा है या ज़ाया हो रहा है एक तरीके से, क्योंकि उसके अंदर जो है जो केमिकल्स मिक्सअप हो जाते हैं, तो उसको पहले साफ़ किया जाए। उसको साफ़ करने से पहले साफ करके फिर जाके उसको सीज में, रिवर में, कैनाल में फेंका जाए। वाटर बॉडीज यानी ऐसा कोई भी लाइक कैनाल हो गया, लेक हो गया, तालाब या ओशन हो गया, तो वहाँ पे फेंकने से पहले जो इंडस्ट्री में से वाटर फेंका जा रहा है या जो एग्रीकल्चर ज़मीन से पानी वहाँ भेजा जा रहा है, उसको पहले साफ किया जाए। क्वेश्चन नंबर 9, राइट डाउन द नेम्स ऑफ सम इंडेंजर्ड मैमल्स ऑफ पाकिस्तान, यानी ऐसे मैमल्स लिखने हैं, नाम लिखने हैं उनके
जिनके खदशात हैं कि वो किसी वक्त भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। इंडेंजर्ड का मतलब है कि उनकी नस्ल परमानेंटली तौर पे जो है वो ख़त्म होने वाली है इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, तो ऐसे मैमल्स के नाम, स्पेसिफिकली मैमल्स का आ गया, एनिमल्स का नहीं आ गया। ठीक है, तो ऐसे मैमल्स जो पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं वो है पंजाब यूरियल। ये एक गाय टाइप का या भैंस टाइप का एक एनिमल है। माखोर, ये नॉर्दर्न एरिया से मिलता है। स्नो लियोपर्ड, इस वक्त आई थिंक सिर्फ सिंगल डिजिट स्नो लियोपर्ड बाकी हैं। एशिया सैंडपिट ग्रीन टर्टल, इंडस रिवर डॉल्फिन, ये इसको ब्लाइंड डॉल्फिन भी कहा जाता है। एंड बियर ऑफ दोसाई, ये कुछ मैमल्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर एक्सटिंक्शन के करीब हैं। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल बेसिकली एक साइकिल जिसमें जो हवा के अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है उसी को इस्तेमाल करके ऑर्गेनिजम्स के इस्तेमाल के लायक उसको बनाया जाता है, या नाइट्रेट्स में या न्यूट्रिएंट्स में बनाया जाता है उसको। कि पूरा साइकिल आपके पास बुक में गिवन है, इसी को आप लोगों ने ड्रॉ करना है। और यहाँ पे आप लोगों के चैप्टर नंबर 7 मैन एंड इस एनवायरनमेंट का सेक्शन बी शॉर्ट आंसर्स कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।